इस टाइम की जिहड़ी सब तो वड्डी खबर है वह लुधियाने की है। तुहानू दस दिए कि लुधियाने के विधायक ने सिमरजीत सिंह बैंस उन्होंने लुधियाना पुलिस वालों FIR दर्ज कर दी गई है। FIR दर्ज उन्होंने तां की गई है पिछले लंबे समय तो एक लेडी वालों इल्जाम लगाए जा रहे थे सिमरजीत सिंह बैंस से कि उन्होंने मेरे नाल जबर जिना किया, पर उन्हें अपनी कंप्लेटा उत्थे पुलिस प्रशासन को दित्तियां सीगियां जिसते पुलिस प्रशासन वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार उसने कोर्ट का दरवाजा खड़काया जिथे कोर्ट वालों सिमरजीत सिंह बैंस उत्ते FIR दर्ज करने लिए लुधियाना पुलिस नूं कहा गया। उस तो बाद ही लुधियाना पुलिस वालों थाना नंबर 6 च उन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। हुण तां समां ही दसूगा कि सिमरजीत सिंह बैंस नूं आखिरकार कदों तक लुधियाना पुलिस गिरफ़्तार करती है। तुहानूं इक गल दसदी है कि सिमरजीत सिंह बैंस वालों यह कहा गया सीगा कि मैं कोर्ट उत्ते पूरा विश्वास करदा और मैं उपरली अदालत च जाऊँगा। उन्होंने हाईकोर्ट च भी अपील की हुई है, हाले तक उस मामले च कोई सुनवाई नहीं हुई है। सब तो वड्डी गल तां इही है पुलिस प्रशासन ते ही सवाल चुके जांदे ने कि आखिरकार कोर्ट दे दरवाजा खड़कान तो बाद ही क्यों सिमरजीत सिंह बैंस ते परचा दर्ज करता गया, क्यों ना पहले ही उस लेडी दी सुनी गई, कोर्ट दी दखल तो पहले ही क्यों ना सुनी गई, कोर्ट दी दखल तो बाद ही सिमरजीत सिंह बैंस ते परचा रजिस्टर कर दिता गया। सर मेरा प्रोटेस्ट अज खत्म हो गया क्योंकि FIR दी कॉपी मिल गई, FIR दी कॉपी सौखी नहीं मिली। पंजाब पुलिस इन्नी लाचार हो चुकी है, इन्नी बेसहारा हो चुकी है कि पोलीटिकल प्रैशर के अंडर एक FIR करन दे लई उन्होंने इन्ना टाइम लगे आ। पुलिस पोलीटिकल प्रैशर अंडर है, भारत भूषण आशु के प्रैशर अंडर है। जिन्हें सर मैं यही मांग करती हाँ कि इन्ना मैनू इंसाफ देने इन्नी देर क्यों लगाई, फिर भी इंसाफ मैंने पुलिस तो नहीं मिले, मैंने अदालत ने इंसाफ दिता है। पुलिस वह अदालत के इंसाफ के हुक्म ने भी छिके टंग के 7 तरीक का ऑर्डर होया, अज जाके FIR दी है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ये कि सिमरजीत बैंस अपने एस्केप कर सके हाईकोर्ट जाके, पर उत्थे क्यों उहदा कुछ भी नहीं बनिया। तो हुण जाके FIR करी इन्होंने, वह भी मैनू अंदर बुला रहे सी, अज भी इन्हां दी कोई गेम सी पुलिस की, क्योंकि उन्हां ते पोलीटिकल प्रैशर है। मैनू कहिंदे कि अंदर आओ तो मैजिस्ट्रेट को बयान करवाउणे, FIR दी कॉपी दित्ते बिना मैजिस्ट्रेट दे बयान। तो हुण फिर ढांडा सर हरीश राय ढांडा जी तो बलविंदर सिंह सेखों DSP इन्हां दी वजह नाल ही मैनू इन्हां दी मेहनत नाल इंसाफ मिलिया, मैनू अदरवाइज़ मैनू इंसाफ नहीं सी मिलना, क्योंकि बहुत ताकतवर ते गुंडे बंदे ने, इन्हां दा मैं सामना कर ही नहीं सी सकदी। इन्हां दो मेरे भरावां ने मेरा साथ दिता, पंजाब दे शेर ने, उन्हां तों डरे नहीं, उन्हां ने डराया धमकाया तो गालां तक कढ़िया इन्हां ने, पर फिर भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छड्डिया, इन्होंने मैंने इंसाफ दवाया। हरीश राय ढांडा जी तो बलविंदर सिंह सेखों DSP। अगली मांग की है तुसीं कि हुण जिहड़ा अपना प्रदर्शन है खत्म कर दोगे जां? सर मैं अपना प्रदर्शन खत्म कर दूंगी, हजे तो लड़ाई शुरू हुई है इन्हां नाल, हजे इन्हां नूं चंगी तरह हराउणा, जिहड़े दोबारा किसी बेगुनाह बंदे नूं तंग ना करन, जुलम ना करन किसी दे उत्ते। मैं यही कहूँगी जुलम करना तो सहना, जिन्ना करना पाप है उन्ना सहना भी पाप है। जे मैं जुलम नहीं सहा इन्हां दा तां इन्होंने मैनू तंग परेशान किया इन्ना, तो जे मैनू हरीश राय ढांडा जी तो बलविंदर सेखों का साथ ना मिलता तो मैं इंसाफ लै ही ना पाउणा सी। एक होर पीड़ता वालों जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उन्होंने भी जी अस्पताल के बैठने की गल की, पर कितना कितने उन्होंने कहा कि तबीयत खराब नहीं बैठ सकती। सर वो आके लड़ूगी ना, आके इतने बह के लड़ूगी तो इंसाफ मिलना, घर बह के इंसाफ नहीं मिलना। तो मैं लोगों को कहूँगी साथ देना चाहिए, जे किसी ना जुलम हुंदा तां कि इंसाफ मिलता, पुलिस इंसाफ नहीं दिंदी, अदालत ने इंसाफ दिता मैं। देखो जेडे राज विच औरत की इज्जत महफूज नहीं, लोगों की जान तो माल महफूज नहीं, और राज नहीं कहा जा सकता। इत्थे जो इस लड़की नाल 7.5 महीने बाद इन्होंने FIR किया, वह जाहिर करता कि सरकार की हर कोशिश इस बचाउण दी है मुलजम नूं। असीं इत्थे मंग कर रहे हैं कि इस परचे तो बाद इहदी तुरंत गिरफ्तारी करके सलाखा मगर भेजा जाए, ट्रायल 3 महीने के अंदर अंदर जिवें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिथे पोलीटिकल बंदा मुलजम होवे वह ट्रायल 3 महीने मुकनी चाहिए है, वह की जाए, असी उदू बिना आराम नहीं करा जिन्ना चिर यह कार्रवाई नहीं होती। मेरा ख्याल उत्थे तरीक पै गई जां खारज हो गई है, ता ही इन्होंने करता नहीं करने के मूड च नहीं सके। चलो असी तो लड़ाई लड़नी है, इंसाफ की लड़ाई है, अकाली दल लड़ता है, एमरजेंसी विरुद्ध लड़े, होर ज्यादतियों विरुद्ध लड़े, ये ज्यादती के विरुद्ध असी लड़ाई तो लड़नी है। बैंस नूं कांग्रेस की सरकार शेल्टर कर रही है, साडा भारत भूषण आशु अड्डियां चुक के जोर लाउण लग्या होया इहनूं, बलात्कारियों नूं बचाउण लई लुधियाने च अपनियां यारियां पगाउण लई अपनी सांझ पगाउण लई इहनां नूं लोक सबक सिखाउणगे, कोई वजह नहीं कि ना सबक सिखाउण इहनां नूं। पहलां गिरफ्तारी लई मांग कीती जा रही सी, सॉरी परचा दर्ज करवा दे, हुण परचा दर्ज हो गया। देखो पहलां रोक
फिर ठाका फिर बरात। साडा काम जिन्ना चेर अंदर नहीं जाता उन्नी देर संघर्ष रहेगा ही रहेगा। हले पहला स्टैप होया रोक हुई है। पहला तो पुलिस की जी निपुशुकता जी इस वे सामने आ रही है, सामने दिख रही है भी वो व्यक्ति जोड़े व्यक्ति अपने आप को आदर्शवादी घोषित करते थे जो राजनीति आए भी असी राजनीति बदलोंगे, असी राजनीति नवे म्यार लैके जावे। गुरु साहब का फरमान है ना, गली असी चंगियां चारी बुरियां मनो कुशुद्धा कालियां बाहरों चिटवियां, ये दिखाउण वाले कुछ होर सी, मुख तो कुछ होर सी, दिखावा तो अंदरों कुछ होर। उरों तो देखने चिट्टे चिट्टे लगते सी, बड़े सोहने लगते सी, पर जिहड़ा मन अंदरों काला इन्ना वो अज जहर हो रहा लोगों के सामने पता लग रहा। सो जिसे देखो उन्हें काली करतूत की उन्हें तो की, पर जी लुधियाना की पुलिस से पंजाब की कांग्रेस सरकार कर रही है एक अपराधी को बचाने की खातर किन्ना तिल तक जोर सरकार ने ला दिता कि मानयोग अदालत का हुक्म होने के बावजूद कानून दियां धज्जियां उड़ा रहे ने पुलिस कमिश्नर ते कांग्रेस सरकार। असी एक देखो पंजाब दियां धियां भी इत्थे सुरक्षित नहीं, उन्हां नूं धरने लाने पै रहे ने, धरने ला के वो इंसाफ मंग रही ने, तो उहदे बावजूद अदालतां हुक्म कर देण ते इंसाफ ना मिले, फिर इत्थे आपां की कह सकते भी एक जंगल का राज आ, काला कानून आ, किस तरह का सिस्टम चल रहा। जिन्हां लोगों ने संविधान की सहुं खा के एडे उच्चियां पदवियां ते पहुंचे ने, तो जे वह संविधान की राखी नहीं कर सकणगे, जिन्हां नूं संविधान दे राखे कहा जाता, तो फिर संविधान की राखी कौन करूगा। फिर इको एक हल रह जाता प्रोटेस्ट धरने मुजाहरे, असी धर्म बचाने वास्ते असी संविधान बचाने वास्ते काम कर रहे हैं, असी संविधान के राखे बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, असी वो संविधान जिदे करके देश चलता, जिदे करके साडे शहीदां ने कुर्बानियां कीतियां। लीडर दी शेल्टर मिल रही है, देखो कांग्रेस समुची कांग्रेस की शेल्टर मिल रही है, भारत भूषण आशू जो लुधियाने वो मंत्री ने इन्हां दी शेल्टर करके सारी कांग्रेस वो सपोर्ट कर रही है, और इन्हों यह नहीं पता भी ये सानू किड्डा वड्डा इहदा खमियाजा भुगतना पैना। पंजाब दीआं धीआं जिहड़ियां लगभग पंजाब च औरत बरादरी 48% आ, 48% औरत दे उत्ते अत्याचार आए, उन्हां दी सुनवाई नहीं हो रही, उन्हां नूं धरने लाने पै रहे ने अपना हक लैण दी खातर। हक भी वह जिहदे लई सुप्रीम कोर्ट का मानयोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भी जो कोई लड़की कोई धी अपने नाल होए किसी बधीकी के मामले में पुलिस को कंप्लेंट लैके जाए तो पहल के आधार से मुकदमा दर्ज करना, बाकी इनक्वायरियां बाद च करनियां। इन्ने होने के बावजूद अज ये हालात ने, तो मैनूं दसो भी आम व्यक्ति जिहदे पिछे कोई नहीं तो उहदा की हाल हुंदा, उहनूं की इंसाफ मिलेगा, वह कित्थों इंसाफ लैन जाऊगा। ऐसे हालात ये कांग्रेस सरकार ने पंजाब च बना दिए। पुलिस कमिश्नर दफ्तर नूं जिहड़ा सील कर दिता गया, वड्डे बैरीकेड लगा दिए गए, किस तरह प्रदर्शन किया जाऊगा? किस देखो ये लोग ये शो करते हैं भी तुसी जो मर्जी कर लो, असी कानून तो उपर हाँ, जबकि ये राइट आ साडे संविधान भी सानू राइट दिंदा भी तुसी प्रोटेस्ट कर सकते हो, किसी इशू नूं लैके तुसी अपना रोस प्रदर्शन कर सकते हो, तुसी अपनी गल साडे सामने मीडिया राही पहुँचा सकते हो। तो जे सानू अज जिहड़ा साडा प्रशासन प्रदर्शन करन दा अधिकार आ वह भी खोया जा रहा, तो तुसी आप ला लो भी किन्ना प्रैशर आ सरकार दा, किन्ना प्रैशर आ सरकार दा पुलिस दे उत्ते, किन्ना प्रैशर आ सरकार दा मंत्री साहब का, किन्ना मुख्यमंत्री साहब का प्रैशर आ पुलिस प्रशासन के उत्ते कि उन्होंने बैरीकेड ला के सानू साढ़े रस्ते बंद किए। बैरीकेड तोड़े जाने असी कोशिश करांगे, असी देखो अपना जो असी जो शांतमई लोग हाँ बड़े शांतमई तरीके दे नाल अपना प्रदर्शन करके असी अपनी गल पहुँचाउणी आ पुलिस पुलिस प्रशासन तक भी, तो आम लोगों तक भी, धियां तक भी। कमिश्नर साहब को मिलने की गल कर रहे हो, कमिश्नर साहब का मिलन दिता जाऊगा ता ही? असी पुलिस प्रशासन को मिलन की सानू कोई लोड़ नहीं, असी घेरा पाउणा, साडा मकसद इन्हां नूं घेरा पा के इन्हां दी जमीर जगाउणा, इन्हां दी जमीर जो सुती हुई आ, जो मरी हुई आ, जो प्रभाव अधीन काम कर रही आ, उह जमीर नूं जगाउण वास्ते असीं इह प्रदर्शन करन जा रहे हां। हुण इह समां ही दसूगा कि सिमरजीत सिंह बैंस नूं कदों तक पुलिस हिरासत च लैंदी है। कैमरामैन गुरप्रीत दे नाल अनिल ठाकुर, D5 चैनल पंजाबी, पटियाला। D5 चैनल पंजाबी हुण सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ।